मेरे को क्या मालूम। हम करने वाले हैं 43 इंच एलईडी टीवी का अनबॉक्सिंग और इस एलईडी का फुल डिटेल रिव्यू। हमारा 43 इंच का एलईडी टीवी जो ओनिडा ब्रांड का है और गाइस इसका मॉडल नंबर 43FIV 43 इंच फुल एचडी टीवी करके इसका मॉडल नंबर आ जाता है। हमारे एलईडी को जो है उसके बॉक्स से बाहर निकाल लिया जाए और देखते हैं उसमें क्या क्या मटेरियल और सामग्री मिलते हैं बॉक्स के अंदर। तो गाइस हमारे बॉक्स में हमारा एलईडी टीवी आ जाता है जिसके ब्रिजल्स गाइस काफी पतले हैं और ये हमारा फ्रेमलेस एलईडी टीवी है 43 इंच का। और हमारे एलईडी को टेबल पे खड़े करने के लिए मतलब टेबल स्टैंड मिल जाता है दो और एक रिमोट आ जाता है। काफी प्यारा सा रिमोट है, मतलब इसमें देख सकते हो आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, ब्राउजर, मीडिया, होम, मतलब एप्स के, मतलब गाइस काफी छह काफी एकदम पर्टिकुलर बटन भी मिल जाते हैं, छह नहीं और भी ऊपर हैं, कई सारे बटन हैं। और हमारे एलईडी को वॉल माउंट मतलब फांसी लगाने के लिए एक स्टैंड मिल जाता है और कुछ स्क्रू मिल जाता है जिससे हमारा एलईडी जो है वॉल माउंट हो जाए। कुछ जन्म पत्रियां हैं जिसमें से एक जन्म पत्री वारंटी कार्ड जो आपको संभाल के रखना है, उससे आपको दिल के करीब रखना है। और गाइस इसमें मिल जाता है हमें कापूस, मतलब ओनिडा वाला गाइस जितना भी अभी तक हमने ओनिडा का एलईडी अनबॉक्सिंग किया है उस सभी में हमें कापूस मिला है। मतलब गाइस ये जो है कापूस इसलिए देता है क्योंकि हमारा एलईडी अगर वैसा कुछ दबे, धक्का लगे, भूकंप आता है तो मतलब ऐसा हिलने लगता है पूरा, तो मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है इससे दबाव जो है, फ्रिक्शन जो है एब्जॉर्ब हो जाता है इससे, इस कापूस से तो कापूस मिल जाता है साथ में। एक एलईडी टीवी लेते थे हमें क्या क्या मेन फैक्टर्स जो है उसे ध्यान देना चाहिए, मतलब एक बारीकी से देखना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर आता है डिस्प्ले क्वालिटी, सेकंड नंबर आता है ऑडियो क्वालिटी, थर्ड नंबर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ है प्रोसेसिंग और फिफ्थ है कनेक्टिविटी, मतलब उसमें कौन कौन से पोर्ट्स कनेक्ट होते हैं। हमने एक और ऐड करा है, मतलब जैसे एक स्क्रीन मिररिंग आपने सुना है, कॉन्टेक्ट मिररिंग जिसे बोलते हैं इसमें, तो उसमें क्या होता है मतलब अगर जैसे आजकल लोग सब अपने एलईडी टीवी को लोग पेनड्राइव नहीं लगाना चाहते, तो क्या होता है इस मिररिंग से हमारे मोबाइल में जो भी कंटेंट रहते हैं मतलब जो भी वीडियोस या फोटोज हैं आप डायरेक्ट स्क्रीन मिररिंग करके अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो मैं पूरा बताऊंगा आगे, पर पूरा देखिएगा वीडियो को, पूरा फुल स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल देने वाला हूँ। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो आपको इसमें 1920x1080 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ फुल एचडी डिस्प्ले का टीवी शार्प और क्रिस्टल क्लियर इमेज देता है जो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देगा पिक्चर देखने में या मूवी जो भी आप गेम वेम खेल रहे हो उसमें काफी अच्छा एक्सपीरियंस देगा, फुल मजे वाली मतलब फुल अच्छा लगेगा। अभी हम थोड़ा शुद्ध हिंदी में बात करेंगे जिससे आपको समझने में थोड़ा और आसानी होगा, तो देखिएगा सर, तो और कुछ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मतलब बोल के बताइएगा। ऑडियो की बात करूँ तो गाइस इसमें डॉल्बी ऑडियो DTS ट्रू सराउंड, इसमें साउंड 7 वॉट का डॉल्बी डिजिटल मिल जाता है। डॉल्बी ऑडियो की विशेषता, यह टीवी आपको वास्तविक सराउंडिंग साउंड अनुभव के लिए समृद्ध है, गतिशील ऑडियो के साथ स्पष्ट और गहराई के साथ उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि का आनंद लेने देगा। मतलब गाइस काफी मतलब जो एकदम तेजी से मार धाड़ वाले आते हैं सीन उसमें भी आपको आवाज जो है क्लियर सुनाई देने वाले हैं, नीचे ऊपर मतलब कुछ भी जरा सा भी बीट बीट है मतलब सुनाई देने वाला है क्लियरली एकदम, इसका कहने का मतलब। और इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बीटा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यह टीवी उपयोगताओं मतलब उपयोग करने वालों के लिए काफी आराम, सरल और निर्वाध देखने का अनुभव सुनिश्चित करता है, मतलब आपको ये कुछ ऐसा रुकावट भी नहीं आएगा। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें काफी सारे मतलब फीचर्स ऑलरेडी ऐड कर दिया है, जैसे नेटफ्लिक्स मतलब बहुत सारे हैं, मैं आपको एक एक बकायदा लाइनिंग से बता दूंगा, अभी थोड़े से आगे बताऊंगा आपको पूरा क्या क्या इसमें आते हैं, तो मतलब आपको रुकावट नहीं आने वाली है इसमें ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम। इस टीवी के मल्टी कोर प्रोसेसर से आप तेजी से अपने काम कर सकते, मतलब इसमें और भी फीचर्स है जो भी आप मतलब नेट ब्राउजिंग ब्राउजिंग यूज करना है तो उसमें इजी हो जाएगा आपको यूज करना। इसका प्रोसेसर काफी अच्छा दे देता है, मतलब एक टीवी के हिसाब से जो लेने नॉर्मली आती है उसके हिसाब से ठीक ठाक है। और गाइस इसका प्राइस की रेंज की बात करूंगा मैं तो बने रहिएगा लास्ट तक, मैं आपको पूरा बताऊंगा लास्ट में प्राइस भी बताऊंगा। और गाइस इसके कनेक्टिविटी की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑडियो डिजिटल, यहाँ पे डिजिटल ऑडियो आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ पे एक USB 2 USB का पोर्ट्स मिल जाएगा, यहाँ पे आपको HDMI मतलब यहाँ पे आपको सारे पोर्ट्स दिए, यहाँ पे नाम दिया HDMI 2 मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको AB कनेक्टर मतलब यहाँ पे AB की केबल लग जाएंगे, एंटीना का केबल लग जाएगा, और यहाँ पे एयरफोन जैक दे देता है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो हेडफोन जैक एंटीना, और यहाँ पे हमारा LAN जो सबसे ज्यादा यूज होता है, हम भी काफी ज्यादा यूज करते हैं ये वाला केबल, हमारा जो वाईफाई का केबल आता है ये काफी यूजफुल है गाइस ये वाला।
तो गाइस इसमें कनेक्टिविटी भी मतलब ठीक ठाक है, हर एक चीज आप यूज कर पाओगे नॉर्मली एक टीवी में जो यूज होने आते हैं सब कुछ इसमें दे दिया है। जैसे कि एवी केबल, एचडीएमआई के दो पोर्ट्स मिल जाते हैं, यूएसबी के दो पोर्ट्स मिल जाते हैं, नया लैन का भी वायर मिल जा रहा है, मतलब ठीक ठाक है। और गाइस मैं इसमें आपको वीडियो भी प्ले करके दिखाऊंगा, एक ऑडियो भी प्ले करके दिखाऊंगा, प्लस गाइस इसमें स्क्रीन मिररिंग जो आपको मैंने अभी बताया कि आपके मोबाइल को मतलब मोबाइल के अंदर जो भी स्क्रीन पे आएगा आप गेमिंग में खेल रहे हो तो उसका मिरर कास्ट करके आप देख सकते हो। तीनों चीज मैं आपको करके दिखाने वाला हूं लास्ट में, और लास्ट में हम प्राइसिंग की बात करेंगे और टीवी ले सकते हो नहीं ले सकते हो उस पर भी बात कर लेंगे। और भी इन्फॉर्मेशन है जैसे कि इसका ऑडियो फॉर्मेट जो है ATS वर्चुअल एक्स करके आ जाता है, और इसकी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जो LCD LED लाइट करके आ जाती है। इसका रिस्पांस टाइम मतलब 8 मिलीसेकंड करके, मतलब जो भी आप एक्शन लोगे या कोई भी बटन से किसी एप्लीकेशन पे जाओगे जीरो मतलब 8 मिलीसेकंड करके आ जाता है इसका रिस्पांस टाइम। 100 से 240 वोल्ट तक और 50 से 60 हर्ट्ज तक का ये पावर सप्लाई लेता है। इस टीवी की बात करो तो इस टीवी में आपको Amazon प्राइम, Hotstar और भी कोई अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करना रहेगा तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें गाइस अलग सा कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं दिया कि इसमें आप इंस्टॉल कर सको। तो गाइस अगर आपको ये एप्लीकेशन इस टीवी में चाहिए तो आपको एक Amazon फायर स्टिक लेना पड़ेगा जिससे आपके हर एक एप्लीकेशन अच्छे से वर्क करेंगे। तो गाइस अभी हमने इसमें अपना वाईफाई कनेक्ट किया, आपको दिख रहा होगा कोने में हमने, और वाईफाई कनेक्ट करने के लिए गाइस इजी है, यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में जाना है आपको। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क में जाने के बाद यहाँ पे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कनेक्टेड, मतलब यहाँ पे हमारा कनेक्टेड हो गया। यहाँ पे आपको ऑप्शन शो करेगा जो हमारा अभी गैलेक्सी S20 करके प्लस ये हमारा कनेक्ट हो गया। गाइस अभी मैं इसमें एक 4K वीडियो लगा के दिखाता हूँ आपको क्या क्वालिटी है पिक्चर की। तो गाइस पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब गाइस पिक्चर क्वालिटी आपको HD फुल HD बोला तो फुल HD दिख रहा है। तो गाइस अभी मैं इसमें आपको एक गाना प्ले करके दिखाऊंगा, मतलब ऑडियो चेक करके दिखाने वाला हूं। तो गाइस ये हमारा और भी वीडियो है आप देख लीजिएगा। स्क्रीन मिररिंग के लिए क्या करना है आपको, नीचे साइड एकदम दिख रहा होगा, मैं ऐप्स लिख रहा है यहाँ पे, मैं मतलब बहुत सारे ऐप्स का वहाँ पे दिया है, तो नीचे साइड एकदम आपको दिखेगा यहाँ पे टीवी और मोबाइल का बना हुआ लोगो, तो आपको ऐसा स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर मोबाइल में आपके रहेगा स्क्रीन मिररिंग का कोई ऑप्शन तो आप कर लीजिएगा, अगर नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है, कास्ट टीवी करके एक एप्लीकेशन आता है कुछ इस प्रकार का रहेगा एप्लीकेशन का, देख लीजिए। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें जाना है और इंग्लिश सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देना, फिर नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट कर देना, स्टार्ट, और यहाँ पे मिररिंग स्क्रीन मिररिंग करना है, यहाँ पे स्मार्ट स्टार्ट कर देना, यहाँ पे से सर्च रिटर्न से आपका स्मार्ट टीवी करके यहाँ पे ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना जस्ट आपको वहाँ पे, क्योंकि दिख रहा होगा डिवाइस नेम स्मार्ट टीवी, तो यहाँ पे स्मार्ट टीवी पे क्लिक किया हमने, देख सकते हो वहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है, देखो ये हो गया हमारा स्क्रीन मिररिंग। तो गाइस इसमें क्या होता है, पिक्चर गाइस थोड़े कट कट के चलते हैं, मतलब पूरा प्रॉपर नहीं चल सकता, मैं आपको एक पिक्चर लगा के दिखा देता हूँ, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लाइव दिख रहा है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो थोड़े थोड़े कट के ही चलते गाइस, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, हर एक टीवी में मैंने ज़्यादातर टीवी मैंने देखा है कट के ही चलते हैं। तो गाइस अगर आप एक टीवी लेने को सोच रहे हो तो ये टीवी ले सकते हो, कुछ ऐसा नॉर्मली यूज के हिसाब से ले सकते हो कि आपको यूट्यूब चलाना है या फिर आपके सेटअप बॉक्स को कनेक्ट करके टीवी देखना है। इसमें आपको एक फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है और ऑडियो काफी अच्छी है, क्लियरिटी भी काफी अच्छी मिल जाती है, ठीक ठाक टीवी है, लेना रहे तो ले सकते हो। तो गाइस काफी हो गया रात, मतलब काफी रात का सुबह हो गया गाइस, हमें वीडियो बनाते बनाते मैं आपको टाइम दिखाता हूँ गूगल टाइम, तो गाइस आप देख सकते हो गूगल टाइम मतलब 5:26 हो रहा है, मतलब सुबह के 5:26 हो रहे हैं, काफी मेहनत चल रहा है। तो गाइस अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, भाई को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।